लोक इंसाफ पार्टी मुखी सिमरजीत सिंह बैंस के खिलाफ लुधियाना से एक विधवा महिला की तरफ से रेप के आरोप लगाए गए, जिसके बाद लगातार मामले में अलग अलग सियासी पार्टियों की तरफ से उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर मोर्चा खोला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की तरफ से भी उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग संबंधित एक मांग पत्र डिप्टी कमिश्नर को सौंपा गया और जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की गयी। लोक इंसाफ पार्टी मुखी सिमरजीत सिंह बैंस के खिलाफ लुधियाना से एक विधवा महिला की तरफ से रेप के आरोप लगाए गए, जिसके बाद लगातार मामले में अलग अलग सियासी पार्टियों की तरफ से उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर मोर्चा खोला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की तरफ से भी उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग संबंधित एक मांग पत्र डिप्टी कमिश्नर को सौंपा गया और जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की गयी। लोक इंसाफ पार्टी मुखी सिमरजीत सिंह बैंस के खिलाफ लुधियाना से एक विधवा महिला की तरफ से रेप के आरोप लगाए गए, जिसके बाद लगातार मामले में अलग अलग सियासी पार्टियों की तरफ से उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर मोर्चा खोला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की तरफ से भी उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग संबंधित एक मांग पत्र डिप्टी कमिश्नर को सौंपा गया और जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की गयी। लोक इंसाफ पार्टी मुखी सिमरजीत सिंह बैंस के खिलाफ लुधियाना से एक विधवा महिला की तरफ से रेप के आरोप लगाए गए, जिसके बाद लगातार मामले में अलग अलग सियासी पार्टियों की तरफ से उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर मोर्चा खोला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की तरफ से भी उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग संबंधित एक मांग पत्र डिप्टी कमिश्नर को सौंपा गया और जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की गयी। लुधियाना से सिमरन की रिपोर्ट, जनहित न्यूज।